कि आप स्वयं से आप कैसे जूम एप्लीकेशन को साइन इन करेंगे, उसे कैसे आप अपनी पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे साथियों का कई बार प्रॉब्लम्स आती है जब वो किसी व्यक्ति का ऑनलाइन काम कराने के लिए बैठते हैं तो उन पे खुद की मीटिंग का लिंक्स नहीं निकलता है, वो किसी व्यक्ति को लिंक्स भी निकल जाता है तो ऐड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा कैसे होता है, तो उसके बारे में मैं आज आप सभी लोगों को जानकारी बताने वाला हूँ। तो जो भी लीडर्स अपनी टीम को घर बैठे गाइड करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लेवल पर मीटिंग्स करना चाहते हैं, तो आपको मैं आज मीटिंग करने के लिए जूम एप्लीकेशन के बारे में डीपली जानकारी देने वाला हूँ कि आप कैसे जूम एप्लीकेशन को साइन इन करेंगे, उसमें आप कैसे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, उसमें आप कैसे अपना नाम एडिट कर सकते हैं। तो और भी आप सभी लोग चेक करें कि आपकी टीम के कौन से मेंबर्स के पास में कोई भी प्रकार की टेक्निकली समस्या है, तो आप उस व्यक्ति को इन्वाइट करें, उस व्यक्ति को लाइव बात करने का मौका मिलेगा ठीक 8:20 के बाद, और उस समय आपके पास में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आपको हैंड रेज करने का मौका, वीडियो ऑन करने का मौका मिलेगा, और उस समय आपको लाइव आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी चेक करें कि कौन से मेंबर्स का क्वेश्चन है, तो आप उसे इनवाइट कर सकते हैं। उससे बोलना है आपको इस मीटिंग को ध्यानपूर्वक आपको पूरा सुनना है, आपके पास में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन, कॉल या समस्या है, क्योंकि मुझे पता है इस मीटिंग के बाद में दिन भर आपके पास में कॉल आते हैं, बोलते हैं सर मेरे पास तो मीटिंग के लिए टाइम नहीं था, टाइम तो था लेकिन आपने लिंक्स नहीं भेजा, तो मुझे आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि आपके पास में ढेर सारे क्वेश्चन हैं तो आप उन लोगों को कॉल करें, इनवाइट करें, और हम ठीक 8:20 के बाद में क्वेश्चन आंसर राउंड भी स्टार्ट करेंगे। अभी हम जानने वाले हैं कि जो कल लोगों के काफ़ी लोगों के रिक्वायरमेंट आ रहे थे काफ़ी दिन से कि सर अभी मैं अपने पर्सनल लेवल पर मीटिंग्स करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कैसे अपनी मीटिंग्स करूँ, मैं कैसे लोगों को ऐड करूँ, जूम को हम कैसे यूज करें बिना सब्सक्रिप्शन, यानी कि बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी हम कैसे किसी यानी कि मीटिंग्स को कर सकते हैं, कितने लोगों के साथ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो अभी मैं आपको वो सभी चीज़ें साझा करने वाला हूं। तो आप जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को कॉल करें, इनवाइट करें, और हमारा समय हो चुका है तो अभी हम कुछ और भी ऑफर्स के बारे में आपको यहां पर बताने वाले हैं। तो मैं यहां पर अपनी स्क्रीन को साझा करता हूं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। साथियों नमस्कार, नाम योगेश, और आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि अभी हमारे पास में गोल्ड स्प्लिट के साथ जो ऑफर चल रहे हैं तो वो कितने समय के लिए हैं, और इसी के साथ साथ आज हम जानने वाले हैं जूम एप्लीकेशन के बारे में, आप पर्सनल लेवल पर अपने घर से बैठ के कैसे अपनी टीम को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी पूरी टीम को सर्विस दे सकते हैं, तो आज उसके बारे में मैं आपसे यहाँ पर जानकारी साझा करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप सभी साथी देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है, और साथियों मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर। जी हाँ साथियों, डिस्क्लेमर ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी देने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। आपको इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिकली जानकारी और न्यू अपडेट्स आपको सिस्टम से रिलेटेड आपको दी जाती हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, सीखना है और आपको आगे बढ़ना है। तो अभी साथियों मैं आपको लेके चलूंगा आपको कैसे अपने अकाउंट्स तक आपको पहुंचना है, अभी ऑफर को आप कैसे चेक कर पाएंगे, कब तक के लिए आपके पास ऑफर है, तो अभी हम पहले आपको उन ऑफर के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि साथियों ये ऑफर आपको लिमिटेड समय के लिए है, आपके पास ऑफर में पिछले हफ्ते कुछ कटौती की गई थी और अब दोबारा से वो होने वाला है, तो अभी आपके पास में ऑफर है कि आप उस ऑफर को कैसे अचीव करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं बताने वाला हूँ कि आपको अपने अकाउंट्स को लॉग इन करने के लिए गूगल पर जाना है और वहाँ पर आपको अल्टीमा बिजनेस लिखना है, तो अल्टीमा बिजनेस का आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, तो इस लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने मेल आईडी और पासवर्ड डालने हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड डालना है, और उसके बाद में आपका अकाउंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे साथियों अकाउंट ओपन होता है तो यहाँ से आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको जाना है अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पर, और अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको D5U के डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। साथियों ये डेली बेसिस में आपको यहाँ पर आईडी और डैशबोर्ड के बारे में आपको इसलिए बताया जाता है ताकि हर कस्टमर अपनी आईडी को देख पाए, चेक कर पाए, यदि उसे रीपर्चेस करना है, उसे दोबारा से प्रोडक्ट परचेस करना है, तो आपको यहाँ पर मैं जानकारी बताऊँगा। लास्ट में आपको स्मार्ट वॉलेट से रिलेटेड भी हम कुछ अपडेट्स जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास में यहाँ पर कुछ ऑफर हैं जो टेलीग्राम के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
कि केवल अभी हमारे पास में 3 दिन का समय बचा हुआ है, और 3 दिन यानी कि यहाँ पर 29 मार्च 2024 के बाद में जो आपका ये ऑफर है, जो 60% अभी आपको कैशबैक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ये ऑफर आपका यहाँ पर 30% हो जाएगा, यानी कि जस्ट उसका आधा हो जाएगा। तो अभी आपके पास में शॉपिंग पॉइंट्स की मदद से, क्योंकि साथियों शॉपिंग पॉइंट्स को आप कई प्रकार से आने वाले समय में यूज कर पाएंगे और अपनी पैसिव इनकम को बढ़ा पाएंगे, ऑनलाइन कई प्रकार के शॉपिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथी ऑफर है आपके लिए, और ये आपके डैशबोर्ड में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर अभी देखेंगे कि यहाँ आपके पास ऑप्शन है, और यहाँ आपके पास 220 यूरो से लेके कई प्रकार के पैकेजेस हैं। तो आपका जो भी बजट अलाउ करता है, जो भी आपका पॉकेट अलाउ करता है, उसके मुताबिक आपको यहाँ पर प्रोडक्ट परचेस करना है। एग्जाम्पल कीजिए, आप 2200 यूरो का प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको 1320 शॉपिंग पॉइंट साथ में मिलते हैं, जिनसे आप क्रिप्टो कार्ड वाउचर्स के बंडल्स भी आप परचेस कर सकते हैं। तो अभी ये कुछ ऑफर हैं जो आपको लिमिटेड समय के लिए हैं। और साथियों अब हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं कि आप कैसे अपनी पर्सनल लेवल पर मीटिंग कर पाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा। तो अभी मैं आपको उससे रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी देने वाला हूँ कि आप जूम एप्लीकेशन को कैसे यूज करेंगे। अभी इस मीटिंग में मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 185 मेंबर्स बैठे हुए हैं, लेकिन कई लोगों को पता है, जो लिंक्स आई है उस पर क्लिक करना है, 1111 पासवर्ड डालना है और आप ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा हम किसी व्यक्ति को अपनी पर्सनल लिंक्स कैसे निकाल के दे सकते हैं, तो हमें उसके बारे में उन्हें जानकारी बतानी है। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं आपको वो सभी जानकारी अभी आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो मैं यहाँ पर अभी वो सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर अभी साझा करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी हम अपने मोबाइल स्क्रीन को अभी इसी में शेयर करेंगे, और आपको इससे रिलेटेड सभी प्रकार की आपको यहाँ पर मैं जानकारी देने वाला हूँ कि आप कैसे जूम एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा। तो अभी साथियों अभी मैं यहाँ पर अपने इसके अंदर अपनी मोबाइल स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, और आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मेरी मोबाइल स्क्रीन भी आपको इसमें दिखाई देना स्टार्ट हो चुकी होगी। तो साथियों अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि जैसे कि अभी हम जिस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, तो वो ये मीटिंग है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी इस मीटिंग में 195 मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी साथियों यहाँ पर आप अपने पर्सनल लिंक्स कैसे निकाल पाएंगे, पर्सनल लिंक के साथ साथ अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ कितने लोगों को वीडियोस ऑन हैं ऑफ हैं, तो अभी आप यहाँ पर अपने कैसे भी किसी व्यक्ति को इनवाइट करेंगे, कैसे आप इसे साइन इन करेंगे, तो मैं जूम एप्लीकेशन को टोटली आपको साइन आउट करके दिखाने वाला हूँ कि आप ऐसे नए तरीके से किसी भी मेंबर्स को, क्योंकि अभी आपको पता है जब भी कोई भी मेंबर्स किसी व्यक्ति को प्लान देता है, वो ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है, आप उसे अपने रेफरल लिंक तो शेयर करते हैं, लेकिन रेफरल लिंक के पहले आपको उन्हें बताना होगा कि आपको एप्लीकेशन को साइन इन ऐसे करना है, क्योंकि आपसे पहले उन्होंने जूम एप्लीकेशन को पहली बार सुना हुआ है। तो पहली बार सुनने के साथ साथ वो लिंक से सिर्फ काम नहीं चलता है, इसीलिए वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होते। तो मैं इस मीटिंग को यहाँ पर लीव करता हूँ, और फिर आपको यहाँ पर अभी बताऊंगा कि अभी हम कैसे यहाँ पर नए तरीके से, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने उस मीटिंग को लीव कर दिया है, और यहाँ पर अब आपको मेरी सिर्फ मोबाइल स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो अब हम आगे यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे आप स्वयं से मीटिंग्स कर पाएंगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आपको किसी भी व्यक्ति को मीटिंग ज्वाइन कराने के लिए आपको उस व्यक्ति को यहाँ पर पहले प्ले स्टोर पर लेके आना है, और उसे आपको ये जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कराना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर प्ले स्टोर है, तो आपको उन्हें ये सभी जानकारी आपको प्रैक्टिकली बताने के लिए आपको उन्हें सही तरीके से इस प्रकार से उन्हें आपको ये जानकारी बतानी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर आप लिखेंगे जूम एप्लीकेशन, साथ ही एक बार शुरू से आपको उन्हें सभी जानकारी बतानी है, फिर आप देखना कि आपके टीम के कितने मेंबर्स हैं जो आपके साथ इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर ये जूम एप्लीकेशन है जो अभी हमने यहाँ पर आपके सामने, और इसी एप्लीकेशन पर हम सभी लोग इस मीटिंग के माध्यम से कनेक्टेड हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप स्वयं से किसी व्यक्ति को कैसे इनवाइट करेंगे, कैसे मीटिंग को साइन इन करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर लॉग इन है, मतलब कि यहाँ पर अभी हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी हमें अपना प्रोफाइल नेम सभी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। लेकिन जब किसी आप नए व्यक्ति को कराते हैं तो उसका ऐसा नहीं दिखता है, उसका कैसा दिखता है, मैं यहाँ पर अभी इसे लॉग आउट करता हूँ, यानी कि हमने यहाँ पर इसे साइन आउट कर दिया है। और अब आप देख पा रहे हैं कि जब भी किसी एक नए व्यक्ति को हम ओपन कराते हैं जूम एप्लीकेशन, तो सेम इस प्रकार से उसका भी ऑप्शन आता है।
जब वो व्यक्ति यहाँ पर किसी भी मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए जाता है तो यहाँ पर फिर उससे नाम मांगा जाता है, कई बार पासवर्ड, वो नाम की जगह पासवर्ड लिख देता है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम देखते हैं, मान लीजिए मैं इसी मीटिंग को एक बार आपको बिना साइन इन किए आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमारी लिंक है जिसपे हम 7 बजे ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब मुझसे पहले यहाँ पर नाम मांगेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले नाम मांग रहा है। अब लोगों को पता नहीं होता है कि यहाँ पर नाम मांगा जा रहा है कि पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पर 5-6 बार एक 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 लिख देते हैं। और कई लोगों के अभी नाम भी आप देखना है पार्टिसिपेंट में, तो उनका 1-1-1 होगा। तो वो इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए, उन्होंने यहाँ पर 1-1-1 लिखा और ये 1-1-1 के नाम से यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर ज्वाइन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से लोग ज्वाइन हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसे एक बार फिर से लॉग आउट करता हूँ, और अब आपको नाम नहीं डालना पड़ेगा यदि आपने जूम एप्लीकेशन को साइन इन कर लिया है। तो साइन इन करने के लिए मैं आपको एक आसान और एक सिंपल फार्मूला आपको बता देता हूँ जो आपको लोगों को करवा के देना है, जिससे फिर आपके टीम के मेंबर्स ज्वाइन भी होंगे, आपको पता भी चलेगा, आपके ग्रुप का नाम भी वो डाल के आएंगे। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा, यदि हमें बिना लिंक्स के किसी व्यक्ति की मीटिंग को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन ए मीटिंग का भी ऑप्शन है। यहाँ पर हम उनका मीटिंग आईडी पासवर्ड डालेंगे तो भी ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन साइन इन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें यहाँ पर साइन इन बटन पर क्लिक करना है। सबसे नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, तो अब आपको यहाँ पर कई ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर अभी ईमेल आईडी पासवर्ड डालने का, ये यहाँ पर हिडन में रहता है, आपको दिखाई नहीं देगा। मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड, यदि आपको ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड पता है तो यहाँ पर वो ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के भी आप कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है तो यहाँ पर गूगल का ऑप्शन है, फिर नीचे यहाँ पर कंटिन्यू एप्पल और फेसबुक से भी है। तो हम यहाँ पर गूगल से ओपन करेंगे, गूगल से ज़्यादा आसान रहेगा, आपको पासवर्ड वगैरह नहीं डालने पड़ेंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पर गूगल से ओपन किया तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरी ये जीमेल है जिन पर मैं गूगल चलाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी मेन जीमेल पर, जो भी मान लीजिए कि जिस पे हम गूगल चलाते हैं, तो उनमें से कोई भी एक मेल पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें अभी आगे लेके जाने वाला है। तो यहाँ पर अभी हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया है, तो उसके बाद साथियों फिर यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन आने वाला है, तो फिर आपका अभी ये साइन इन हो जाएगा। तो इनमें से आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन यानी कि एक मेल पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नीचे प्रोसेसिंग चालू है। और अभी ये जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको इसके लिए एक अच्छे इंटरनेट एरिया में आपको जाने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप इस पर अभी आगे क्लिक करेंगे तो फिर इस प्रकार से अभी ये आगे बढ़ेगा, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फिर आपके सामने यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। यदि आप पहली बार करेंगे तो आपके डेट ऑफ बर्थ का ईयर मांगा जाएगा, मतलब अभी जैसे मैंने इसे अभी अभी लॉग आउट किया था और आप अब हम इसे लॉग इन भी कर रहे हैं। यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो यहीं पर आपके डेट ऑफ बर्थ का ईयर मांगा जाएगा। अब वो आपको यहाँ पर डालने के बाद कंटिन्यू कर देना है, और जैसे ही आप यहाँ पर अभी कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा, और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का एक ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है लॉन्च जूम का, तो हम इस लॉन्च जूम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने ओपन का ऑप्शन आ चुका है, और हम ओपन पर करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा जो जूम एप्लीकेशन था, जो पहले लॉग इन था, वो उसी प्रकार से अब लॉग इन हो चुका है। अब हम इसमें आपके नाम को एडिट करना, आपके प्रोफाइल नेम को एडिट करना आपको सिखाएंगे, फिर इसमें एक नई ऐप यानी कि नई मीटिंग आपको चालू करना सिखाएंगे, जिससे आज आप मान लीजिए कि आप बैठे हैं अपने घर पे और किसी व्यक्ति के पास कोई टेक्निकली समस्या होगी, बोल रहे सर आप तो जल्दी आ जाओ, मेरा एक काम करा दो, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसा ना हो। इसीलिए आप घर बैठे ही किसी भी व्यक्ति को आप अपने जूम मीटिंग की लिंक्स निकाल के उसे इन्वाइट करके दे सकते हैं, और आपने इतना काम सिखा दिया तो ज़्यादातर लोग आपके मीटिंग्स में बैठे होंगे, और आपका जब मीटिंग में लोग बैठे होंगे तो वो ऑटोमेटिक सीखे होंगे नई नई जानकारी, और वो स्वयं से काम करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमने से साइन इन किया, लेकिन अभी प्रोफाइल नेम भी हमें एडिट करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि नीचे आपके सामने यहाँ पर राइट हैंड नीचे कॉर्नर में 3 डॉट का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। आपको अपने नाम को एडिट करने के लिए, मतलब प्रोफाइल नेम, फोटोज ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे नेम, प्रोफाइल फोटो यहाँ पर दिखाई जा रही है, ईमेल भी दिखाया जा रहा है। इस बेसिक के ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना डिस्प्ले नेम ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड वगैरह, आप अपनी जब मीटिंग रखेंगे, जैसे कि अभी इस मीटिंग का जो पासवर्ड है जिसमें हम ज्वाइन है उसमें 1111 करके
लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर जो हम काम करने वाले हैं, तो अब इसमें आपको अपना कौन सा पासवर्ड देना है वो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमने अपना नेम डाल रखा है, तो आपको डिस्प्ले नेम में भी आप यहाँ पर आके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा डिस्प्ले नेम है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे ग्रुप का नाम फाइटर है और उसके आगे हम लोग अपना नाम लिखते हैं, तो ऐसे यहाँ पर फाइटर योगेश कुशवाहा लिखा हुआ है। मान लीजिए हमें इस नाम को एडिट करना है, चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं मान लीजिए मैं सिर्फ फाइटर योगेश लिखता हूँ और हमने यहाँ पर फाइटर योगेश लिखा, हम यहाँ पर सेव कर देंगे, तो हमारा जो डिस्प्ले नेम है अब जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ये फाइटर योगेश के नाम से ये ओपन होगा। अब आप चाहते हैं कि मेरे मीटिंग के नाम के साथ मेरा फोटो भी आए, तो यहाँ पर आप प्रोफाइल फोटो देख पा रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर ये आपको आगे गैलरी में लेके जाएगा और यहाँ पर आप अपनी पसंदीदा फोटो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब कल से आप जिन भी लोगों को ज्वाइन करना है इस मीटिंग को, तो अपना प्रोफाइल फोटो ऐड करके देखना, यानी कि आप सभी लोगों को ज्वाइन करना है, आप जिस लीडर के ग्रुप से ज्वाइन है आपको उनसे पूछना है कि हमारे ग्रुप का नाम क्या है। यदि आपको उनके ग्रुप का नाम पता है तो आपको, जैसे रामनिवास जी की टीम के RR हैं, हिमांशु जी की टीम के रॉयल नाम से आते हैं, रॉयल हिमांशु, और भी लोग जैसे मेरी टीम के फाइटर, तो आप जिन भी लीडर्स की टीम से हैं, तो इससे क्या होगा आपको और जो टॉप लीडर्स हैं वो आपको पहचानेंगे कि आप किन की टीम से हैं। तो साथियों ऐसे में फिर आपके पास में यदि कोई भी प्रकार की समस्या होती है और क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा है तो आपको उसका आंसर और भी बेहतर तरीके से मिल जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर नाम एडिट करना सीख लिया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन जिन की आपको जरूरत पड़ती है, तो आप इनको यहाँ पर आने के बाद आप अपने हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर अभी मीटिंग को ओपन करना सीखना है कि हम अपने पर्सनल लेवल पर मीटिंग कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड सबसे नीचे एक ऑप्शन है मीटिंग्स का, आपको उस पर क्लिक करना है। तो यदि साथियों आपको किसी व्यक्ति की मीटिंग को ज्वाइन करना है, मान लीजिए अभी ये मीटिंग चल रही है और आपको लिंक्स पर काम नहीं हो रहा है, यानी कि आपका जो लिंक्स है उससे आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। तो ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर मीटिंग आईडी डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और आप ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक आपकी पर्सनल मीटिंग आपको करना सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी टीम को आप मीटिंग दे सकते हैं, कैसे आप उससे स्क्रीन शेयरिंग करा सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर वो जानकारी बताने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल कीजिए यहाँ पर कि अभी हमने यहाँ पर, जैसे हम इस पर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू मीटिंग का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पर अभी न्यू मीटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है और स्टार्ट ए मीटिंग को ऑन करना है आपको। जैसे आप स्टार्ट ए मीटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी अपनी एक न्यू मीटिंग ओपन हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरी मीटिंग यहाँ पर ओपन हो चुकी है और लाइव यहाँ पर मेरा आपको फोटो दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपकी यहाँ पर पर्सनल मीटिंग है जो अभी स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारी एक पर्सनल मीटिंग ओपन हो चुकी है जिसमें सिर्फ यहाँ पर मैं हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ओनली होस्ट, इसमें अभी हमने अपनी एक पर्सनल मीटिंग ओपन करी है। अब आपको इसमें लोगों को इनवाइट करने के लिए क्या करना होगा, आपके पास जब भी आप कोई व्यक्ति मीटिंग को ज्वाइन करता है और उनके पास आवाज़ नहीं आती है, तो वो जहाँ से आवाज़ आती है उसके ऑप्शन पे क्लिक ना करके वो कई बार वो हैंड रेस करते रहते हैं, तो ऐसा ना करके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ज्वाइन ऑडियो पर जब आप क्लिक करेंगे तो कोई लीडर जब कहीं से बोल रहा है तो आपको उसकी आवाज आना स्टार्ट होगी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन ऑडियो का एक ऑप्शन है, यहाँ लेफ्ट हैंड नीचे कॉर्नर में आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको इस ज्वाइन ऑडियो के ऑप्शन पर क्लिक करके वाईफाई और क्लियर डाटा के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो अब कोई व्यक्ति मान लीजिए प्लान दे रहा है, कोई जानकारी दे रहा है, तो आपको यहाँ पर वो सुनाई देगा। यदि आपको बोलना है तो यहाँ पर आपको अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर अनम्यूट करेंगे तो फिर आपकी आवाज़ उन तक जाना स्टार्ट हो जाएगी जिस व्यक्ति को। जैसे अभी हम क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करेंगे तो आपसे बोलेंगे आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, तो वीडियो ऑन करने के लिए यहाँ पर आपके सामने स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको इस पर स्टार्ट वीडियो पर क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पर इस प्रकार से वीडियो आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपकी आवाज़ है वो जाना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। फिर आपका क्वेश्चन जैसे ही क्लियर होता है तो आपको म्यूट कर लेना है, वीडियो आप ऑन करना चाहते हैं करके रख सकते हैं, ऑफ करना है तो आप बंद भी कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इसकी लिंक्स आप कैसे निकालेंगे। जैसे कि अभी इस मीटिंग की लिंक जिसको हम अभी ज्वाइन किए हैं, इसमें अभी यहाँ पर देखेंगे तो करीब 202 मेंबर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर आप अपनी लिंक्स कैसे निकाल सकते हैं, तो एक आसान और सिंपल आपको मैं फॉर्मूला यहाँ पर बताता हूँ। आपको यहाँ पर पार्टिसिपेंट के ऑप्शन पर जाना है। कौन से ऑप्शन पर जाना है,
आपको इसकी लिंक्स निकालने के लिए यहाँ पर आपको पार्टिसिपेंट के ऑप्शन पर जाना है। तो यहाँ पर हम पार्टिसिपेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कितने लोग ज्वाइन हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद में साथियों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको इनवाइट का। आप जैसे यहाँ पर इनवाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी इनवाइट लिंक। तो आपको यहाँ पर इस कॉपी इनवाइट लिंक्स पर आपको क्लिक करना है, तो ये लिंक्स आपकी कॉपी हो जाएगी। अब आप किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर मान लीजिए कि हम उसे ग्रुप में भेज सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी आपके पास में जो व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप ये जानकारी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे कि हमने यहाँ पर ये लिंक्स डाल दिया और हमने यहाँ पर लिख लिया ज्वाइन फास्ट, तो यहाँ पर अब जो भी लीडर्स मान लीजिए उस समय ऑनलाइन होंगे तो हमने यहाँ पर लिंक शेयर कर दिया है। अब इस पर कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है अब इस पर्सनल मीटिंग पर। अब जैसे यदि कोई भी इसमें ज्वाइन करेगा तो फिर यहाँ पर अभी हमारे पास एडमिट के ऑप्शन आएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपकी लिंक्स है। अब मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराना चाहते हैं आपके अपने व्हाट्सएप जो भी आपने ग्रुप बना रखे हैं, तो आप 2 लोग, 10 लोग, 20 लोगों के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी मीटिंग ओपन हो चुकी है। अब कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइन करेगा उस लिंक से तो ये क्या है, आपकी बिना प्रीमियम वाली लिंक है, यानी कि बिना सब्सक्रिप्शन लिए आप ये अभी शुरू कर रहे हैं। तो यह मीटिंग आप 100 लोगों के साथ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे बीच में एक व्यक्ति यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, 2 लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी हमें इनमें एडमिट करना पड़ेगा। हम जब तक उन्हें एडमिट नहीं करेंगे, जैसे कि हमने इन्हें एड ज्वाइन कर दिया है, हमने एडमिट पर क्लिक कर दिया, तो अब वो इस मीटिंग में यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी जैसे ही हमने एडमिट कर दिया तो यहाँ पर ज्वाइनिंग का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर अभी वो ज्वाइन हो चुके हैं, अभी उनका वीडियो ऑन हो चुका है तो वो इस मीटिंग में भी ज्वाइन है और उनके पास लिंक जाते ही वो दूसरी मीटिंग्स में भी ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर इसी प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं और भी जो लोग यहाँ पर हैं, तो अभी ऐसे ही आपके पास एडमिट के ऑप्शन आते जाएंगे, मतलब आप ग्रुप में जो भी लिंक्स डालेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से लोग, तो आपको उन्हें एडमिट करना होगा क्योंकि ये बिना सब्सक्रिप्शन वाली लिंक है, मैंने आपको बता दिया है। तो ये इसमें क्या है, ऑप्शन नहीं होते, जैसे अभी हम मीटिंग पर जिसमें लाइव कर रहे हैं तो ये पेड मीटिंग्स है, मतलब इसके लिए कोई कॉस्ट पे करी जाती है। फिर उसके बाद में इसमें और भी कई फीचर्स ओपन हो जाते हैं, जैसे आप लिंक्स पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ज्वाइन होने के ऑप्शन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब आपने देखा कि इस प्रकार से हमें लोगों को एडमिट करना होगा। अब जैसे ही हमने उन्हें एडमिट कर दिया है, अब उसके बाद में फिर हमें एडमिट करने के बाद अब जैसे लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा शेयर का, यहाँ आप नीचे देख पा रहे हैं आपके सामने जो शेयर का ऑप्शन है। अब आप इस शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर करने जैसे और भी कई प्रकार के ऑप्शन, आपको यहाँ पर आपको क्या क्या शेयर करना है या कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर आप शेयर व्हाइट बोर्ड, कैमरा, स्क्रीन, तो आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करनी। मान लीजिए कि मेरा एक दोस्त है जो यहाँ से काफी दूर है और उस तक जाने के लिए मुझे 1 दिन का टाइम लग सकता है और उसके पास कोई एक प्रॉब्लम है जिससे वो वहां पर रुका हुआ है, उसे लगता है मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो मैं आगे काम करना स्टार्ट कर दूंगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें बिना समय गवाए हमें उससे बोलना है आप एक काम कीजिए, व्हाट्सएप पे आइए, मैंने एक लिंक शेयर किया है उस लिंक पर क्लिक कीजिए, अभी हम आपकी प्रॉब्लम को देखेंगे। तो अब वो व्यक्ति वहां से स्क्रीन शेयर करेगा, जैसे कि आप लोग मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो आपको यानी कि आपकी लिंक्स मैं देख पाऊंगा और फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको शेयर स्क्रीन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपकी स्क्रीन शेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कई कंडीशन में कुछ लोगों के पास ऐसा नहीं होता है, तो उन्हें क्या करना है, स्टार्ट नाउ करने के बाद में उन्हें अपने जूम एप्लीकेशन को परमिशन देना होता है। मतलब कि यहाँ पर जैसे हमने तो कई बार, हम डेली दिन भर में कई बार स्क्रीन शेयर करते हैं जूम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, लेकिन कोई नए व्यक्ति के साथ आप पहली बार करते हैं तो फिर आपको लगता है स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद तो स्क्रीन फौरन शेयर हो जाती है। लेकिन कई बार क्या है कि स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद फिर आगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है, तो उसमें आपको कई एप्लीकेशन आपको दिखाई देते हैं, तो मतलब वो जूम पर आपको परमिशन मांगता है, तो आपको जूम के एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और उसके परमिशन को ऑन कर देना है और बैक आ जाना है, तो आपकी स्क्रीन शेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान देना है, कई बार क्या है कि यहाँ तक करने के बाद भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसके बाद जब वो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो उन्हें एप्लीकेशन तो सभी दिखाई देते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि मुझे उस एप्लीकेशन को
परमिशन देनी है, और बिना परमिशन दिए फिर वो वापस आ जाते हैं, फिर बोलते हैं सर नहीं मेरे तो स्क्रीन ही शेयर नहीं हुई। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अब मैं यहाँ पर शेयर करूँगा तो फिर मेरी ये स्क्रीन स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर मैंने आपको बता दिया कि आपको शेयर कैसे करना है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप कई प्रकार के काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पर्सनल लेवल पर किसी व्यक्ति को मीटिंग चालू करने के लिए, यानी कि उसकी स्क्रीन शेयर कराने के लिए, इसमें सिर्फ होस्ट बना सकते हैं। मतलब इसमें को होस्ट का ऑप्शन आपको बिना प्रीमियम वाली जूम पर नहीं होता है। तो आपको जिस किसी भी व्यक्ति को स्क्रीन शेयर करनी है तो पार्टिसिपेंट में उसका जो भी नाम दिखाई देगा तो उसके नाम पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप उसके नाम पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा मैक होस्ट का। तो आपको उसके नाम पर क्लिक करने के बाद मैक होस्ट पर क्लिक करना है। तो अब फिर आप यानी कि नॉर्मल यूजर बन जाएंगे और वो होस्ट बन जाएगा, तो फिर वो व्यक्ति स्क्रीन शेयर कर पाएगा। क्योंकि कई बार क्या है कि फिर मीटिंग तो ज्वाइन हो जाती है लेकिन स्क्रीन शेयर का ऑप्शन उनके में ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको पहले यानी कि पर्सनल लेवल पर कर रहे हैं तो उन्हें आपको होस्ट बना देना है, फिर आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर आप 40 मिनट के अंदर 100 लोगों के साथ आप मीटिंग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर बिना प्रीमियम लिए 100 लोगों के साथ आप यहाँ पर मीटिंग कर सकते हैं। तो अभी आपने ये भी सीखा। यहाँ पर और भी म्यूट अनम्यूट के भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी मान लीजिए आपके साथ 20 लोग ज्वाइन हैं, आप सभी लोग माइक बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको म्यूट अनम्यूट के भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर और भी कई प्रकार के, यहाँ पर ऑल म्यूट, यहाँ पर जिन जैस जो भी आप करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ आपको यदि चैटिंग करना, मतलब आपको कोई मैसेज देना है तो यहाँ पर चैट का भी ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप अपना, मान लीजिए आपको पर्सनल किसी व्यक्ति को चैटिंग में मैसेज भेजना है तो यहाँ पर आप चैट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर यानी कि जैसे ही नॉर्मल चैट पर क्लिक करेंगे तो सबको मैसेज दिखाई देगा। पार्टिसिपेंट में जाके उसके नाम पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट भी किसी को मैसेज भेज सकते हैं। इसमें ढेर सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। और साथियों यहाँ पर आपको कोई इमोजी करने, जैसे अभी लोग क्लैपिंग करते हैं वर्चुअल, तो यहाँ पर आपके पास में एक ऑप्शन है यहाँ पर। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, जैसे अभी कोई एक अच्छा मैसेज दे रहा है और आप क्लैपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए वर्चुअल क्लैपिंग, थंबनेल, इस प्रकार के ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे आप कई प्रकार की एक्टिविटी जूम के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपने बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब जो लोग यानी कि अपडेटेड एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो उनके पास में यहाँ पर एक जो मोर का ऑप्शन है सबसे नीचे राइट हैंड नीचे कॉर्नर में, तो उस पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड इफेक्ट का। तो यहाँ पर साथियों आप अपना बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी मेरा बैकग्राउंड आपको यहाँ पर यानी कि जो रियल है वो दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर कोई बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया। अब हमारा यहाँ पर वीडियो हम जैसे ऑन करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर वीडियो ऑन करने के बाद यहाँ पर अभी हमारा आपको ये जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आप इसी प्रकार से और भी कई प्रकार के बैकग्राउंड यहाँ पर आने के बाद, इफेक्ट पर आने के बाद आप यहाँ पर और भी नए नए बैकग्राउंड आप ऐड कर सकते हैं, या और भी आपको कोई, जैसे कि अभी आपने देखा कि मिस्टर हिमांशु जी लाइफ स्टाइल बोनस का एक बैकग्राउंड लगाए होते हैं, तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करने के बाद ये आपको गैलरी में लेके जाएगा। तो आपकी गैलरी में जो भी फोटो है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके बैकग्राउंड, जैसे कि कई बार क्या होता है जब आप मीटिंग ले रहे होते हैं और आप कहीं ऐसी जगह होते हैं जहां पे बैकग्राउंड पीछे साफ नहीं होता है, तो आप वर्चुअल बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप वर्चुअल बैकग्राउंड का यूज करेंगे तो फिर आपको यानी कि आप कहीं पे भी बैठे हों आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, आपका पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिखाई देगा। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर आप इन वर्चुअल बैकग्राउंड को आप यूज कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर चेंज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बैकग्राउंड लगा दिए हैं तो यहाँ पर अब हमारे जो भी बैकग्राउंड्स हैं तो वो आपको वर्चुअल दिखाई देंगे, जो रियल है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। यानी कि आप टैब स्क्रीन में देख पा रहे हैं उसमें रियल बैकग्राउंड है और जो मैंने यहाँ पर मोबाइल में लगा रखा है वो वर्चुअल है। तो आप यहाँ पर इसमें वर्चुअल बैकग्राउंड भी आप इसमें लगा सकते हैं और भी कई प्रकार के काम आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ कुछ नोट्स के भी ऑप्शन है, व्हाइट पेपर, जैसे कि आपको कोई चीज बतानी है, कोई लिख के बताना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास में एक व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है। आप व्हाइट बोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर अभी आप उसे शेयर करेंगे तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि आपको कोई भी चीज जैसे लिख के दिखानी है, मान लीजिए आपको डायरी पेज नहीं है तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर न्यू व्हाइट बोर्ड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट कर देंगे
तो अब आप यहाँ पर अपनी उंगली से भी कुछ भी लिख के दिखा सकते हैं। जैसे कि आपको कोई चीज़ समझानी है किसी भी व्यक्ति को, तो यहाँ पर आपके सामने कई प्रकार के और ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप आने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से क्या क्या करने की आवश्यकता है, आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कैसे यहाँ पर लिखना है, जैसे कि यहाँ पर हम कोई भी एक पेंसिल सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद में फिर आप यहाँ पर उंगली से लिख भी सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड को भी आपको यूज करना सीखना है, मतलब आप जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से जूम एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम को यूज करना सीखेंगे, तो उतने ही ज़्यादा आप यहाँ पर आने के बाद आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड आप लोगों को बता सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर कई प्रकार के और ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में आप इनका यूज कर सकते हैं, और यूज करने के बाद में आप यहाँ पर उसका यूज करने के बाद आप इस पे यहाँ पर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई प्रकार से आप यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमने इसे पेंसिल को ले लिया है, अब हम यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसमें लिख के भी हम उन्हें दिखा सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी काम, आपको यहाँ पर कोई चीज़ आपको समझानी है अल्टीमा से रिलेटेड, या फिर आपको कोई भी और भी कलर यहाँ पर चेंज करने हैं, तो व्हाइट बोर्ड को भी आप यहाँ पर यूज करना सीखेंगे। यहाँ पर आप कई प्रकार से मान लीजिए आपको अल्टीमा से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ जो आपको यहाँ पर लोगों को बतानी है, तो वो आप यहाँ पर उन्हें लिख के बता सकते हैं। पेंसिल का आकार भी आप यहाँ पर आके चेंज कर सकते हैं। तो मतलब जो भी आपको यहाँ पर लोगों को समझाना है, तो आप कई प्रकार से जूम को आप यूज कर सकते हैं। ये साथ ये बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, बहुत ही बेहतर है। अभी हमने यहाँ पर अभी इसे स्टॉप कर दिया है, और भी कई प्रकार के ऑप्शंस यहाँ पर आपको नोट्स में भी आके मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर कई प्रकार से इसका आप यहाँ पर आके यूज कर पाते हैं, और साथ ही उनकी मदद से आप यहाँ पर लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, लोगों को आप समझा पाएंगे, लोगों को आप ज्वाइन करा पाएंगे। इससे साथ तो आपको इन एप्लीकेशन को, अभी तक जैसे आपने जूम को सिर्फ ज्वाइन करना सीखा था, आज आपने पर्सनल मीटिंग करना, प्रोफाइल ऐड करना, प्रोफाइल में आपने फोटो ऐड करना, बैकग्राउंड ऐड करना, तो आपको इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने की आवश्यकता है। अब जैसे ही आप एक काम कर लेते हैं, तो उसके बाद में फिर यहाँ पर आप अपने पर्सनल लेवल पर एक मीटिंग करें। जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर हमारे बीच में 190 मेंबर बैठे हुए हैं। अब 190 मेंबर्स में से अगर आज की मीटिंग सुनने के बाद 10 लोगों ने अपने पर्सनल लेवल पर मीटिंग करना स्टार्ट कर दी, आपको एक अपना टाइम सेलेक्ट करना है। आप दोपहर में फ्री हैं, आप इवनिंग में फ्री हैं, आप मॉर्निंग में फ्री हैं, आप अपने 2 लोग, 5 लोग, 10 लोगों के साथ, जैसे कि आज से 2 वर्ष पहले जब मैंने इसे ज्वाइन किया था, सीखने के बाद मुझे भी किसी व्यक्ति ने ऐसे ही बताया था, तो फिर मैंने अपने पर्सनल लेवल पर मॉर्निंग में 6 बजे टेलीग्राम पर मीटिंग करना स्टार्ट किया। बिना सब्सक्रिप्शन लिए हम 100 लोगों से भी ज़्यादा लोगों को मीटिंग्स कर पाते थे। आपको नेक्स्ट दिन आपको टेलीग्राम के बारे में भी इतना ही डीपली बताएंगे कि आप टेलीग्राम पर कैसे आप मीटिंग कर सकते हैं, 2 लाख लोगों तक का आप ग्रुप कैसे बना सकते हैं। जैसे अभी आपने यदि पर्सनल लेवल पर अपनी मीटिंग्स को करने स्टार्ट कर दिया, तो जिससे साथ हो आप बहुत सारे लोगों को आप सिखा सकते हैं, आने वाले समय में आप कई सारे लोगों को समझा सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर काम कर सकते हैं, आप यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं, आप बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों आपको सोशल मीडिया की पावर को समझना है। तो यहाँ पर अभी हमने इसके बारे में जाना। अब मैं यहाँ पर जैसे आपको कोई भी मीटिंग को एंड करनी है, तो यहाँ पर आपको एंड इस प्रकार से करना है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक तो है लीव, मान लीजिए कि यदि आप को होस्ट नहीं है, यानी कि आप होस्ट नहीं है, तो आपके पास सिर्फ लीव का ऑप्शन होगा। यदि आपको मीटिंग को एंड करनी है, जैसे अभी हम कई लोगों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी हमें इस मीटिंग को एंड करना है, मतलब अभी जस्ट खत्म कर देंगे, तो यहाँ पर हम एंड मीटिंग ऑल 4 पर, यानी कि यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और ये हमारी मीटिंग एंड हो चुकी है। तो अभी मैं ये डेमो अकाउंट आपके सामने ओपन किया हूँ जूम का, तो अभी जो हमारी लाइव मीटिंग चल रही है वो तो चलती ही रहेगी और 9 बजे तक लगातार चलेगी। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर इस प्रकार से जूम एप्लीकेशन को यूज करना है। अब आपको कल हम बताएंगे आपको टेलीग्राम के बारे में भी, ताकि आप कई प्रकार से, जैसे कई बार क्या होता है कोई व्यक्ति जूम पर स्क्रीन शेयर नहीं कर पाता है, आप टेलीग्राम पर स्क्रीन शेयर करा दो, आप व्हाट्सएप पर स्क्रीन शेयर करा दो, आप घर बैठे कई लोगों को जब आप ऑनलाइन सर्विस देना स्टार्ट देंगे, तो फिर साथियों आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होने स्टार्ट होंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस पूरा ऑनलाइन है। आप घर बैठ के, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई ऐसी लेडीज हैं, हाउस वाइफ हैं, अब वो कहीं जा नहीं सकती, तो उनके लिए ये चीज़ें और अच्छी हैं कि वो घर पे अपने सारे काम करने के बाद में और यहाँ पर वो आके अपने काम को कर सकती हैं, लोगों को समझा सकती हैं। और लोग भी यहाँ पर, जो भी आपने यहाँ पर जो भी आप सेलिब्रिटीज़ को आप सुनते हैं, तो ज़्यादातर जैसे आपको कई
हीरोस आपको पसंद होते हैं, कई जो जैसे सोनू शर्मा हो गए या फिर और भी जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो वो आपको क्यों पसंद है? क्योंकि आप उन्हें डेली सोशल मीडिया पर सुनते हैं, वो कोई ना कोई एक नया कंटेंट आपको बना के देते हैं, तो आपको वो पसंद है। इसी प्रकार से आप भी लोगों को पसंद आ सकते हैं जब आप उनकी समस्या से रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड, उनकी इनकम से रिलेटेड आप उन्हें जानकारी आप साझा करेंगे। और जब आप डेली बेसिस में काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आपको भी लोग सुनना स्टार्ट करेंगे। कल के दिन लोग आप भी काम करके बहुत ही बेहतर तरीके से आके वो काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने आज जूम के बारे में डीपली सुना। अभी हमारे पास में जो ऑफर चल रहे हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अभी हमारे पास में जो ऑफर हैं तो वो यहाँ पर अभी 29 मार्च तक के लिए ऑफर हैं। तो आप इन ऑफर का यूज करें और यहाँ पर इनका फायदा लें, क्योंकि ये ऑफर आप यहाँ पर अभी आपके लिए 29 तारीख तक के लिए हैं। फिर ये अभी 60% से घट के 30% हो जाएगा, मतलब 50% और कम हो जाएगा। तो अभी आपके पास में एक अच्छा मौका है, आप यहाँ पर आके आप इस सभी प्रकार की चीजें आप कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की पावर को आपको समझना है। बिजनेस हमारा पूरा ऑनलाइन है, आप घर बैठे किसी भी व्यक्ति को आप इनवाइट कर सकते हैं, उसे ज्वाइन करा सकते हैं, उसे सिखा सकते हैं। तो साथियों आज की जो आपको जानकारी बताई गई है, अब मान लीजिए कुछ नए मेंबर्स हैं जिन्हें पहली बार में समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर मेरा चैनल है ऑनलाइन अर्निंग वाईके के नाम से, और इस चैनल का आप स्क्रीनशॉट लें, इस चैनल को आप यूट्यूब पे सर्च करें। यहाँ पर मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार इस मीटिंग तक आए हैं और आपने अभी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप यूट्यूब पर अभी जाएं और वहां पर लिखें ऑनलाइन अर्निंग वाई के, और आपको अल्टीमेट बिजनेस से रिलेटेड, आपको सोशल मीडिया पर काम करने से रिलेटेड आपको यहाँ पर 376 वीडियोस आपको मिलेंगे। इस मीटिंग के रिकॉर्डेड सेशन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यदि आपके टीम के कुछ एक्टिव मेंबर्स हैं जो मॉर्निंग मीटिंग्स में नहीं आ पाते, तो उन्हें आप इस यूट्यूब चैनल से लिंक्स उठाकर आप उन्हें शेयर करें और डेली बेसिस की मीटिंग के रिकॉर्डेड सेशन आप उन्हें दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। यदि फिर भी समझ में नहीं आई है तो आपको डेली बेसिस में इस मीटिंग को ज्वाइन करना है। यदि जल्दबाजी में मेरे मुंह से कोई भी अपशब्द निकला हो मीटिंग के दौरान, तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ करिएगा। और यदि आज की जानकारी आपको समझ में आई है, तो आपको अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक बेहतर प्लानिंग करनी है, और आपको पर्सनल लेवल पर एक अपनी मीटिंग्स करना स्टार्ट करना है। आपके अप्लायंस को टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही स्टार्ट करें। कल के दिन आप भी बहुत बड़े लेवल पे आप मीटिंग्स लेना स्टार्ट कर देंगे, बहुत बड़े लेवल पर आप बिजनेस प्लान प्रेजेंट करना, बहुत बड़ी टीम को गाइड करना, क्योंकि कल के दिन आपको ही डायमंड बनना है, आपको ही ब्लू डायमंड बनना है, आपको भी बिलियन डायमंड बनना है। तो जब आपको बनना है तो आपको छोटा कदम आज से उठाना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप आपको आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब यदि किसी के पास में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई भी प्रकार का डाउट है, तो अभी आपको वीडियो ऑन करने का परमिशन दिया गया है, और हमारे प्रिय साथी मिस्टर हिमांशु जी आ चुके हैं। तो अब आज के टॉपिक से लेके या अल्टीमेट बिजनेस से रिलेटेड आपके पास में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आपको लाइव आपको हैंडरेस करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप हैंडरेस करते हैं मीटिंग में ज्वाइन होते ही, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जिस समय कोई क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं होता और उस समय आप हैंडरेस करते हैं, मजबूरन आपका हैंड डाउन किया जाता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आप लाइव सेशन में आके अभी आप अपने क्वेश्चन को रेस कर सकते हैं। तो अब इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं आप सभी लोगों की शानदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम मिस्टर रॉयल हिमांशु जी, आप आए, अपने आप को अनम्यूट करें और इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, बहुत बहुत बढ़िया जानकारी दी है आपने। उम्मीद करता हूँ सभी को यहाँ पे समझ में आई होगी, जिन्होंने बखूबी यहाँ पे जानकारी को समझा है, जूम को किस प्रकार चलाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑलरेडी आज बताया गया है कि स्क्रीन पे कैसे वीडियो के साथ आया जाता है जूम के माध्यम से। तो अब तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम भी नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई जूम पे वीडियो कैसे ऑन कर जाता है। तो जितने साथी हैं वो अपने आप को कैमरे के साथ लेकर के आए हैं, और बिना कहे आप कैमरे के साथ आया करें, है ना, बार बार एक ही चीज को दोहराया मत करें। तो दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नाम हिमांशु सुगीजा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। किसी का कोई भी किसी प्रकार का सवाल है, अपना एड्रेस करें, कैमरे के साथ आए तो आपको मौका मिलेगा। अभी हमारे बीच में मोहम्मद क्यू यू सी एट द रेट एड्रेस हुआ है, तो सर मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। आप नमस्कार, क्या सवाल है सर? सर मेरा नाम मोहम्मद रामपुर से बोल रहा हूँ। जी सर पूछ। सर मैं कैश पे जो वाउचर है इनके बारे में पूछना चाह रहा था, लगा रहे हैं सर। जी क्या जानकारी लेनी चाह रहे हैं? जो कैशबैक वाउचर है यस, वो कब लगा रहे हैं?
कैशबैक वाउचर आपने कब लिया था ये बताइए, गोल्ड गोल्ड पूल कब लिया था? अभी 2 दिन पहले भी लिया था, 8 दिन पहले भी लिया था। 2 दिन पहले भी लिया था। पॉइंट तो आपको मिल गया होगा ना? पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट है, ठीक है। देखिए मैं आपको कैशबैक पॉइंट के बारे में बता देता हूँ सबको ही, ये चीज का सवाल हर दिन आता है और हर दिन इसका जवाब मिलता है। कैशबैक पॉइंट कंपनी की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट है, तो जिस भी किसी व्यक्ति ने अगर आपको ये कह करके जोड़ा है कि कैशबैक पॉइंट आपको हर महीने लगातार 12 महीने आएंगे, तो इसका मतलब उसने व्यक्ति ने आपको लालच दिया है, समझिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या समझना है आपने, आपने जो पेमेंट अदा करा है कंपनी को वो दिया है गोल्ड पूल का, ना कि कैशबैक पॉइंट का। और वो जो गिफ्ट है उसके जो पॉइंट है वो कंपनी बीच बीच में मौका देगी उसको रिडीम करने का। तो जब भी कंपनी की ऑन साइट वेबसाइट पे वहां पर आएगा मौका कि इस पॉइंट से आप अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का या जो भी एक्स वाई जेड वाउचर वहां पे दिखाई देगा, तो आप उस समय उस पॉइंट के माध्यम से अपने मन पसंद का वाउचर लेकर के आप उसका इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है सर। तो ये मौका कंपनी की तरफ से मिलेगा बीच बीच में। उम्मीद करता हूँ आपको और आप सभी को जानकारी समझ में आई होगी। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। ठीक सर, ठीक ठीक, ओके ओके सर। तो दोस्तों सेशन को आगे बढ़ाते हैं, अगर किसी का कोई भी सवाल है टॉपिक को लेकर के तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, हम मौका देंगे बराबर सबको, ताकि आप और आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का सवाल क्लियर हो जाए। कुछ मुख्य जानकारी रोजाना की तरह जो डेली बताना बेहद ज्यादा जरूरी है, आपका कोई भी पूल है चाहे वो रेड हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो बीएसपी हो, वो आपको डॉलर नहीं बना करके देता है, वो आपको अल्टीमा बना करके देता है। तो अल्टीमा आपको बना करके देता है तो आपने अल्टीमा पे फोकस करना है, ना कि डॉलर पे। बहुत सारे लोग डॉलर पे फोकस करते हैं और डॉलर ही लोगों को आगे जा करके बताते हैं कि आपको पर डे इतने डॉलर आएंगे। तो यहाँ पर डे कोई फिक्स नहीं है अल्टीमा कितना आएगा, डॉलर तो आता ही नहीं है, लेकिन फिक्स अल्टीमा भी नहीं है कि कितना आएगा। आप सबको पता है कि अल्टीमा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं पर डे, उस हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ चलता है। तो जब आप यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं तो मैं यही चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति को आप इस सिस्टम में कनेक्ट करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी लेकर के आएंगे उतनी जल्दी आपका वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अल्टीमा इकट्ठा कर लेगा, जितना लेट करेंगे उतना उसको अल्टीमा कम आएगा। तो आज क्या है, मौका है, ज्यादा अल्टीमा आप प्राप्त कर सकते हैं गोल्ड पूल का कॉन्ट्रैक्ट बना करके, जिसमें आपको कैशबैक पॉइंट भी अभी 60% मिल रहा है, 29 तारीख में 30% रह जाएगा और 6 तारीख में ये पूरा समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आ रही होंगी। तो किसी भी व्यक्ति को डॉलर का लुभावना ऑफर देकर के मत लाएं, क्योंकि डॉलर नहीं आता है, अल्टीमा आता है, उसको जब बेचते हैं तब जाकर डॉलर बनता है और डॉलर से INR कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों कैमरे के साथ है, कल की उपेक्षा में आज तो बिल्कुल ही कैमरे बंद है, या तो ऐसा हो सकता है कि परसों होली नहीं मनाई गई और कल होली मनाई गई, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें और कैमरे के साथ है। अब इसी लाइन में हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो सवाल नहीं है, अगर सवाल होता तो हैंड्रेस जरूर होता। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे स्पीकर की तरफ लेकर के चलते हैं। तो जयदीप जी है, जयदीप जी मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आपका वेलकम है, आप आए और एक प्यारा शानदार मैसेज दे पूरी कम्युनिटी को। हेलो जी, नमस्कार हिमांशु जी, आवाज आ रही मेरी? जी सर, परफेक्ट है। थैंक यू हिमांशु जी, बहुत धन्यवाद आपका जो डेली किसी ने किसी टॉपिक एजुकेट आपको के माध्यम से सभी लोग के डाउट क्लियर कर रहे हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फील्ड में सेल्फ डिपेंड होकर काम कर सके। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जो नए लोग इस जूम के ऊपर आए हैं उनका वेलकम है, और उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हैं वो एक टेक्निकली प्रोजेक्ट है, इसको हम जितना सीखेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें हम एक्सपर्ट होंगे और उतना ही ज़्यादा हम इसमें खुलकर काम कर पाएंगे और अपने जल्दी से जल्दी हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने परिवार के, अपने जो जो हमारे साथ इस सिस्टम के साथ जुड़ते जाएंगे उनके सपने भी यहाँ पे पूरे हो सकते हैं।
और मैं बात करता हूँ दोस्तों सिस्टम की पावर की, तो यहाँ पे एलेक्स सर ने इतना जबरदस्त यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी तैयार की है कि आपका फोन ही मनी मैग्नेट बन चुका है दोस्तों। आप घर पे बैठे अपने मोबाइल को एक कमांड के माध्यम से यहाँ पे, जैसे हिमांशु जी ने बताया कि आप डेली यहाँ से अल्टमा आप यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं, और यही अल्टमा आपको जानते हो दोस्तों कि कितनी इसकी डिमांड बनने वाली है, क्योंकि इसकी सप्लाई कम है, क्योंकि जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा रेट बढ़ेगा, जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतना रेट कम होगा दोस्तों। यहाँ पे सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि 1 लाख मात्र हमारे टोटल अल्टिमा टोकन की जो सप्लाई है 1 लाख है, और आप जानते हैं बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख है, और यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि आने वाले समय में जो एलेक्स सर में बताते थे बार बार कि आपके जो यहाँ पे मैंने पूरा सिस्टम यहाँ पे तैयार कर रखे, आपके पूरे फ्यूचर का उन्होंने यहाँ पे हमारी प्लानिंग कर रखी है दोस्तों, तो बिल्कुल वो यही सच होने वाला है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोग इस टेक्नोलॉजी को समझते जा रहे हैं और इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, इसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो मैं आप सभी को यही कहूंगा दोस्तों आप इसमें पैसिव के साथ साथ जो एक्टिव उसके ऊपर भी काम कीजिए, आप लोगों को बताइए, क्योंकि जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं तो उन्हें क्या पता लगेगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, किस सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इस चीज को भी साथ में लेके चलना है, और साथ ही अपने आप को एजुकेट करने के लिए डेली जूम का हमें सहारा लेना है, जो सुबह का भी 7:30 बजे वाला और शाम का 7 बजे वाला दोस्तों। हमने ज्यादा से ज्यादा इस चीज का अपना भी बेनिफिट लेना है, और आगे अपनी जो टीम को भी इसके साथ एजुकेट करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी आपका, जो मुझे आपने समय दिया। नाम जयदीप सिंह अंबाला से, आप सभी का एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्यारा जबरदस्त मैसेज दिया। तो दोस्तों अल्टिमा को बचा करके रखे, अल्टिमा की सप्लाई ही सिर्फ 1 लाख है। जब बिटकॉइन हमारे बीच में साल 2009 में आया था तो 4 से 5 साल किसी को कुछ नहीं पता था कि बिटकॉइन क्या कमाल करके जाएगा। तो उस समय भी बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन को इसलिए बेच दिया था क्योंकि उनको भरोसा नहीं था अपने आप पे और बिटकॉइन पे। तो आज भी बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी होंगी जिनको भरोसा नहीं होगा अपने आप पे और सिस्टम पे, और ये हमेशा चलता रहेगा, ये नेचर है। ऐसी चीजें आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ चलती रहेगी, आएंगे, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर सभी लोग पैसा नहीं कमाते हैं। यहाँ पे वही लोग पैसा कमाते हैं जो लोग सीखने की तरफ ध्यान देते हैं। तो जो सीख करके पेशेंस के साथ आगे बढ़ता रहेगा वो हमेशा कामयाब रहेगा इस इंडस्ट्री के अंदर भी और दुनिया की हर एक इंडस्ट्री के अंदर। तो इसी लाइन में हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे बीच में नारी शक्ति है अरुणा पाटिल जी, बहुत ही डेडिकेशन के साथ हर एक चीज को सीखती है, नोट डायरी पेन से हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैडम वेलकम है आपका, आप आए और एक प्यारा मैसेज आप भी दें। सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग ऑल टीम, गुड मॉर्निंग। मैं से हूँ और मैं इस सिस्टम में 3 साल से जुड़ी हुई हूँ, और ऐसा एलेक्सर का कौन सा प्रोजेक्ट नहीं कि हमने खरीदा नहीं है। टोटली हमारे पास सारे सिस्टम के जितने भी पीएलसी छोड़कर सारा हमारे पास फॉर्म है, एक भी ऐसा नहीं कि हमने लिया नहीं है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम खुशनसीब है कि हम डॉलर बेस्ड कंपनी में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना जब बाहर जाने का सोच रहे थे तो बोलते वहां से डॉलर मिलेंगे। सर 2 साल फैमिली को छोड़कर जाना, वर्क कमाना बहुत मुश्किल रहता है, टिपिकल रहता है। मना कर रहे थे कि मैं नहीं जा सकता हूँ फैमिली को छोड़कर। और एक बात सर ऐसी है कि हमारे सिस्टम में एक अनिरुद्ध कर लड़का है, इसमें ही अपने साथ में, लेकिन वो वर्किंग के लिए गया हुआ है, उसके ब्रदर को बाहर भेजा है सर कतर के लिए। तो वीजा शायद उन लोगों ने निकाल कर दिया था, मैंने पूछा हुआ पेमेंट कितना देते हैं सर, $80 के लिए वो बंदा घर छोड़कर गया है 2 साल के लिए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है खाली डॉलर कमाने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे बताना चाहती हूँ कि अपन इतनी बड़ी कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं कि वो डॉलर में अपने को दे रही है। और सबसे मेन तो सर आप मुझे बोलने का मौका देते थैंक यू, क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूँ, जैसे बोलना चाहती हूँ ना बहुत कुछ बोलना रहता है लेकिन भूल जाती हूँ सारी चीजें। थैंक यू करना चाहते कि सिस्टम को कि मुझे बोलने का मौका दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, इसीलिए कहते हैं कि बार बार कैमरे के साथ है, कैमरे के साथ आएंगे तो मौका भी मिलता है और हेजिटेशन भी दूर होती है। तो जितना कैमरे के साथ आएंगे उतना ही हेजिटेशन भी दूर होगा और आपकी टीम आपको देख करके जागरूक होगी। तो आज मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट बहुत सारे व्यक्ति कैमरे के साथ नहीं है, क्या वजह है क्या कारण है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप इस वजह और किसी कारण की वजह से आप कैमरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं तो ये बड़े शर्म की बात है कि आपको
इतना भी नहीं पता है कि क्लास के अंदर कैमरे के साथ बैठना चाहिए, बिना कैमरे के साथ नहीं बैठना चाहिए, और एक ही चीज को बार बार दोहराना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो कृपया करके जो भी व्यक्ति सिंसियर है इस बिजनेस को लेकर के, जो वाकई पैसा कमाना चाहता है, वो कैमरे के साथ है। वरना कई बार ऐसा होता है कि हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि ऊपर वाले जो भी व्यक्ति जूम पे कैमरे के साथ बैठता है उस व्यक्ति को हर एक रैंक अचीव हो, और जो कैमरे के साथ नहीं बैठता है उसकी कोई भी रैंक अचीव ही ना हो, उसको कोई भी बंदा ना आए उसके साथ कोई भी टीम मेंबर ना जुड़े और वो कभी भी आगे ना बढ़े। तो इसीलिए मैं हमेशा ये प्रार्थना करूंगा कि जो कैमरे के साथ आएगा उसकी हर एक रैंक अचीव हो, जो कैमरे के साथ नहीं आएगा उसकी कोई भी रैंक अचीव हो ही ना, और वो सिस्टम में जेड है, एम्बर है, और एम्बर बन के ही यहाँ से लीव हो जाए। तो मैं तो ये अपना कहूंगा, क्योंकि आप अगर अपने आप को इस सिस्टम के ऊपर 1 घंटा 1.5 घंटा कैमरे के साथ नहीं दे सकते तो फिर आप क्या कर लेंगे इस बिजनेस के अंदर? फिर आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, देन उसके साथ साथ अपने माँ बाप को भी धोखा दे रहे हैं, अपने बच्चों को भी धोखा दे रहे हैं, अपनी टीम को भी धोखा दे रहे हैं, और दुनिया के हर एक व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं। तो खुद तो कैमरे के साथ नहीं आ रहे हैं और दुनिया को बोल रहे हैं कि भैया हम यहाँ पे बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। हो सकता है कोई मजबूरी होगी, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 170 लोग हैं तो क्या 170 लोगों की मजबूरी है या 2, 4, 10 लोगों की मजबूरी है? पहले तो आप ये तय कर लीजिए। तो भाई कैमरे के साथ आएंगे तो आप सबकी रैंक अचीव होंगी, कैमरे के साथ नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी आपके साथ। तो प्लीज कृपया करके कैमरे के साथ आएंगे। इसी लाइन में सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में मुरलीधर जी है। मुरलीधर जी, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आपका वेलकम है, आप आए और एक प्यारा सा मैसेज आपके लिए। तो वो जाके अनबैलेंसिंग होता है। नमस्कार सर जी। नमस्कार। भरत जी की मीटिंग चल रही है अलग से, एक मिनट पहले उसको अनवर। सारी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार, और मेरा नाम मुरलीधर वैष्णव फ्रॉम कोटा डिस्ट्रिक्ट। मैं भी इस सिस्टम का 23 महीने का स्टूडेंट हूँ, और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हिमांशु सर का और योगेश सर का, जो बहुत ज्यादा टाइम निकाल के मतलब पूरी कम्युनिटी को गाइड कर रहे हैं। और दोस्तों, आज हमने भी एक बीड़ा उठाया है, हमारे भरत सिंह जी ने अपनी खुद की जूम मीटिंग चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी खुद की टीम की खुद की मीटिंग करें। तो अभी मैं उसी मीटिंग में था, जितना हो सके जितना सीखने को कहीं से भी मिले लेकिन सीखना चाहिए। आज मैं भरत सिंह जैसे भी सीखता हूँ, काम नहीं करोगे तो परेशानी आएगी, काम नहीं करोगे तो परेशानी आएगी, काम करोगे तो परेशानी आएगी, नहीं करोगे तो और ज्यादा आएगी। राम निवाजी सर से भी सीखता हूँ, तो जो बेकन में बोल रहा है वो ज्यादा मायने रखता है। बेकन में कौन बोल रहा है? किसी भी न्यूज को आप देखते हो, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख रहे हो, ये लोगों को समझाओगे आप तो उनके समझ में आएगा। ललित सर से भी सीखते हैं, लालच किसी को नहीं बांटना, जितना हो सके जितना जो आप काम कर रहे हो उसी को प्रमोट करो। आपको इस सिस्टम में ये तो लगा होगा 100% के पूरा प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी बेस है, लोग जाते हैं फील्ड में, काफी लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, सर आप इतना लगाओ और इतना आ जाएगा। मैं 100% वहां टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता हूँ, और जो वहां पे जो बताया जाता है हकीकत में यहाँ पे आपको अल्टीमा आएगा तो अल्टीमा ही आएगा। वो कितने रुपए का होगा वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज फील्ड में बताना है आपको। और धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी टीम को, प्यारी प्यारी टीम को, जो काफी ज्यादा सीख भी रही है, और टेक्निकल का जो भी काम है मैं सिखाने की, जो जितना भी काम है वो उनको करना है खुद को, मैं कभी उनका काम करता भी नहीं हूँ। ये काम आपको भी करना है, आईडी लगाना, रजिस्ट्रेशन करना, ईमेल बनाना, डॉलर कहाँ से परचेज करना है, केवाईसी करना है, ये सब काम अपनी टीम से करवाओ, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और धन्यवाद देना चाहूंगा राम निवाजी सर का, जो बहुत ज्यादा हमें गाइड करते हैं, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्यारा जबरदस्त मैसेज दिया पूरी कम्युनिटी को, पूरी टीम को। इसी लाइन में सेशन को आगे बढ़ाएंगे, और एक मुख्य बात जो भी अभी माइंड में आया है तो आपके साथ
शेयर करेंगे, कहानी के रूप से बताने की कोशिश करूंगा। आपके पास एक लकड़ी की टहनी है और आपको दी जाती है सबको, जो कैमरे के ऊपर है वो इमेजिन करे कि आपको मैंने एक लकड़ी की टहनी दी है और मैंने ये बोला है कि आप उसको तोड़िए, तो नॉर्मली सी बात है आप तोड़ देंगे। अभी दो दी, फिर उसके बाद मैं उसको बोलूंगा कि अब इसको आप दो को तोड़िए एक साथ, दो भी आप तोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं। ऐसे करते करते संख्या बढ़ जाती है लकड़ी की टहनी की। फिर मैंने तीन दी, चार दी, पांच दी, तो बहुत सारे लोगों ने फिर पांच टहनी को एक साथ तोड़ दिया, बाकी रह गए पीछे। ऐसे करते करते फिर 10 हो गई और 20 हो गई और करते करते 50 हो गई। अब आप मुझे बताइए खुद से कि क्या 50 टहनियों को आप एक साथ तोड़ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति? पॉसिबल नहीं है ना। अब समझिएगा, यहाँ पे सुबह के टाइम